मेरा 1 साल बहुत बेकार निकला है शादी के तुरंत बाद का। पूरे बॉडी में ब्लैक ब्लैक स्पॉट थे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देखने में। कटवाओगे? नहीं बहन, दोनों बड़ा मजा अच्छा नहीं लग रहा, मैं काट दूंगी, बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, इतना बड़ा गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं छत में आई हूँ अपना बेड शीट डालने। मैंने इसको धुला हुआ था तो डालने आई थी, फिर मैं अपना वीडियो भी मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया और आप लोग देख सकते हो ना कितना अच्छा व्यू है सुबह का। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हो आप सब लोग। और मैं आई थी छत में अपना चादर डालने, बेड शीट मैंने धुला था कल, तो कल नहीं डाल पाई थी, शाम को ही मैंने धुला था, तो सुबह अभी डालने आई थी। मैंने सोचा मैं छत से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही ना, सच बताऊँ बहुत, मतलब सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ना कल से कोशिश करूँगी कि सुबह सुबह नहाने से पहले एक बार मैं घूमने आऊँ छत में, क्योंकि अभी भी धूप निकल आई है काफ़ी, बट बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और देखो कितने ग्रीन ग्रीन सब पेड़ पौधे हैं, वो तो आप लोग को दिख ही गया है। मैं पता है मैं गिरने वाली थी, मेरा पैर इधर से उधर हो गया था। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे जा करके देखते हैं क्या बनाना है, कुछ ब्रेकफास्ट टाइप का बनाना है या फिर डायरेक्ट खाना बनाना है, ये देखते हैं अभी। तो फिलहाल तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ, बट सच बताऊँ ना इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही, बिल्कुल भी जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, बट जाना तो पड़ेगा। तो चलो हम लोग चलते हैं नीचे, मैं फिर आप लोग से नीचे बात करती हूँ। और अभी चलो हम लोग नीचे चलते हैं, मैं गेट को बंद ही कर देती हूँ। ये इतना भारी गेट है ना कि मतलब इसको बंद करना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। आज मुझे लेट भी हो गई है। तो अभी हम लोग पूजा करने चलते हैं और इसके बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी। तो पहले पूजा कर लेती हूँ फिर मैं नीचे जाऊंगी। मंदिर तो मैंने आप लोग को दिखाया था अपने होम टूर में। बैगन आलू टमाटर की कलौंजी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखो मैंने आलू बैगन काट लिए हैं और टमाटर मैं बाद में डालूंगी, तो अभी ही मैं आलू बैगन चढ़ा देती हूँ। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ। और मैं ये काट कर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बैगन बहुत बड़े बड़े वाले थे ना, तो वो भरवा वाला नहीं बन पाता, क्योंकि भरवा वाले के लिए एकदम छोटे छोटे से बैगन होने चाहिए तभी अच्छा बनता है। तो इसलिए मुझे काट कर ही बनाना पड़ रहा है और मसाला मैं ऊपर से मिक्स करूँगी। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो अभी मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और पानी डाल दिया था, इसके बाद मैंने अपने आलू बैंगन सबको उसमें डाल दिया है और मैं इसको पका लूँगी। और पकाने के बाद जब ये काफ़ी हद तक पक जाएगा तो मैं, अभी आप लोग देख सकते हो मैंने इसके ऊपर मसाला डाल दिया, और मसाला में मैंने धनिया, हल्दी, नमक, अमचूर पाउडर और मिर्ची, यही सब कुछ डाला हुआ है। और अभी मैं इसको मिक्स कर दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी मसाले को भी। और ये देखो आप लोग, काफ़ी हद तक मसाला मेरा पूरा पक गया है। तो अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटर को मैं नीचे से पकाऊंगी। और अभी आप लोग देख सकते हो मेरी बन गई है आलू बैंगन की कलौंजी। और बैंगन मतलब ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट वाला था कि वो बिल्कुल एकदम घुल गया है, पूरा गायब ही हो गया है।
तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शाम का स्नैक्स बनाने। तो आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो मैंने अभी कढ़ाई में तेल डाल दिया है और मैं प्याज को डाल दूंगी और अच्छे से सुनहरा होने तक प्याज को पकाऊंगी, क्योंकि जब तक प्याज अच्छे से नहीं पकती ना तो टेस्ट नहीं आता, वो कच्ची कच्ची सी अजीब सी लगती है। तो प्याज को हमेशा अच्छे से पकाना चाहिए। और ये है देखो मेरी मैक्रोनी जो मैंने बॉयल करके रख ली है, तो ये काफ़ी हद तक सूख गई है। इसको मैंने छन्ने में रखा हुआ था और ये देखो काफ़ी हद तक मेरा प्याज पक गया है। तो अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटर के साथ ही मैं मिर्ची हरी डालने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हमेशा टमाटर के साथ ही मिर्ची डालती हूँ, क्योंकि वैसे कुछ बहुत सारे लोग ना तेल के साथ ही मिर्ची को छौंक लगाते हैं, तो वो बहुत मतलब ना आँख नाक कान कहाँ कहाँ लगता है पता नहीं। तो मैं टमाटर के साथ ही हमेशा डालती हूँ। और मैं कुछ आप लोग को मसाले दिखा देती हूँ जो मैं डालने वाली हूँ। तो जलजीरा आ गया ना देखो मेरा यहाँ भी, और ये है अमचूर पाउडर और ये है मैगी मसाला और नमक मिर्ची, वो सब तो मतलब रहता ही रहता है। तो ये देखो मेरा सारा सामान पक गया है प्याज टमाटर, तो मैं इसमें मैगी मसाला मिला रही हूँ और मैगी मसाला के बाद मैं जलजीरा पाउडर मिक्स करूँगी और फिर इसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिक्स करूँगी, जो कि ये मतलब ना जलजीरा अमचूर पाउडर ये मेरे अलग से ट्विस्ट वाला होता है खाने में, तो इससे थोड़ा सा ना खट्टापन चटपटा सा लगने लगता है कोई भी डिश हो। और इसके बाद मैं मैक्रोनी मिला दूँगी। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने मैक्रोनी मिला दिया है, और ना मैं मतलब खुद से ही सूट कर रही थी ना, इसलिए मैं मैक्रोनी डालने का नहीं दिखा पाई। और ये देखो मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी, कितना यम्मी दिख रहा है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ सबको दे दूंगी और मैं भी खा लूंगी। तो मैंने बना करके सबको दे दिया है, सब लोग खा रहे हैं और मैंने भी ले लिया है अपने लिए, तो मैं भी अभी खाने जा रही हूँ। और देखो जमीन में चटाई में बैठी हूँ, क्योंकि गर्मी आ गई है ना, तो दोपहर में माँ चटाई में ही नीचे लेटती हैं, इसलिए बिछी हुई है। और सच बताऊँ ना तो मुझे भी फर्श में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैं खा भी लेती हूँ। टेस्टी बनी है एक्चुअली। मैक्रोनी ज़्यादा थी और मसाला हमारे पास सिर्फ एक ही पैकेट था, बट फिर भी बहुत टेस्टी बनी है, क्योंकि मैंने जलजीरा को ट्विस्ट जो डाला था अच्छी बनी है। और देखो अभी कौन आया है, बहुत देर बाद पकड़ में आए हैं। कैसी थी मैक्रोनी? बढ़िया। और इनके बाल देखो जरा क्या हो गए हैं, बेचारे 2 महीने से कटिंग नहीं करवा पाए, बहुत परेशान हैं। और माँ पापा ने बोला कि नाई को बुला दे कटवा दे बाल, तो ये कहते हैं नहीं, चाहे छोटी मुझे बांधना पड़े लेकिन मैं बाल नहीं अभी कटवाऊंगा, क्योंकि बाल कटवाना बाहर सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, पता नहीं वो कौन कौन सा छुरा किस किस पे यूज करते हैं, इसलिए मैं काट दूँ। कटवाओगी? अच्छा नहीं लग रहा, मैं काट दूंगी, बहुत मैं सोच रही हूँ एक बार मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मिल जाए आदमियों के बाल कैसे काटे जाते हैं, बट कटवा ही नहीं रहे हैं मुझसे। तो ठीक है कोई नहीं, मैं अपने ही काट लूँगी जिस दिन मेरा मूड खिसक जाएगा। तो अभी मैं ऊपर छत में आ गई हूँ और आज मैंने बेडशीट डाला था ना धुलकर सुबह, आप लोगों को दिखाया था, तो मैं उसको ही लेने आई हूँ। तो मैं सोचा चलो बेडशीट भी ले आती हूँ और ऊपर ही छत में बैठ करके आप लोग से कुछ बातें मार लेती हूँ कि गप्पे मार लेती हूँ। तो चलो बैठ जाती हूँ। और देखो आज फिर धुआं शाम को भी निकल रहा है, धुआं दिख रहा है ना, पेड़ के बीच से धुआं भी निकल रहा है, तो किसी ने आग जलाया होगा, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना, तो मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो जो गाय भैंस रखते हैं वो उनके पास जलाते हैं ऐसे ताकि मच्छर ना उनको काटे। सो हो सकता है मे बी यही रीज़न हो या कोई और रीज़न हो। तो अभी मैं बैठ गई हूँ और कुछ आप लोग से बातें करती हूँ। तो आप में से इतने सारे लोगों ने मुझसे बोला कि रे आप बताओ आपको शादी के टाइम पे क्या स्किन एलर्जी हो गई थी,
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ मतलब बहुत बड़ी स्किन एलर्जी हो गई थी, बहुत स्किन इशू हो गया था। शादी के टाइम पे मेरे भर भर के पिंपल हो गए थे और मैं एक दो ट्यूब लगा रही थी उनको सही करने के लिए, तो वो पता नहीं क्यों उसने मतलब सही करने की जगह और डबल रिएक्ट कर दिया था। तो मेरी स्किन मतलब सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव स्किन वालों को तो पता है ना कितना संभल करके सब कुछ करना होता है। तो उससे ना पता नहीं क्यों अजीब सी मेरे फेस पर रेडनेस सी हो गई थी और सब जगह ड्राई ड्राई सा हो गया था, तो बहुत गंदी स्किन हो गई थी शादी के टाइम पे। मैं मतलब उसको याद भी नहीं करना चाहती उस स्किन को बिल्कुल भी। और वो तो मतलब फिर भी ठीक है, शादी के 15 दिन बाद ही मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, और चिकन पॉक्स एकदम नॉर्मल वाला नहीं था, बहुत भयंकर वाला चिकन पॉक्स हुआ था। इतना ज़्यादा हुआ था कि मेरी पूरी बॉडी में बस वही वही भरा हुआ था, पूरे सर से लेकर के पैर तक में ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ गए थे। तो आप सोच सकते हो ना, जिसकी नई नई शादी हो और उसको तुरंत कुछ ऐसा हो जाए। तो मेरा एक साल मतलब बहुत बेकार निकला है शादी के तुरंत बाद वाला। मेरा हाथ दर्द करने लगा ऐसे पकड़े पकड़े, तो मेरा एक साल बहुत बेकार निकला है शादी के तुरंत बाद का। पूरी बॉडी में ब्लैक ब्लैक स्पॉट थे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देखने में। तो यही था, और होता है ना जिसकी किस्मत में जो होता है वो होकर ही रहता है। तो शायद मेरी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि शादी के तुरंत बाद मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ेगा। और जब चिकन पॉक्स हुआ था ना, तब मुझे दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हुआ था ना कि तकलीफ़ भी मेरी उतनी ही ज़्यादा थी। तो ठीक है, वो तो मतलब अब पास्ट हो गया, भगवान करे अब ऐसा दिन नहीं कभी आए जल्दी। तो बस बातें मेरी आज बहुत सारी हो गई, आप लोग इतना पूछ रहे थे इसलिए मैंने सोचा चलो मैं बता देती हूँ आप लोग को। और अभी मैं अपना बेड शीट ले लूँगी, और बैठने से गर्मी लग रही है, चल रही थी तो हवा थोड़े थोड़े लग रही थी, तो अभी मैं घूम भी लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और अगर मैं चैनल पर नहीं हूँ तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।